इस दुष्ट चक्र से देश को निकालना होगा। पहले पैसे लगाते हैं, इसलिए राजनीति में आम आदमी सत्ता में आने का चुनकर आने की संभावना खत्म सी हो गई है। अब कोई अच्छे काम के बलबूते सत्ता में पहुंच सकता है, ऐसा करीब सा असंभव हो गया है। और इसलिए धनवान लोग या बाहुबली लोग, मनी और पावर, ये दो लोग अगर सत्ता में आते हैं, चुनकर आते हैं, तो दोबारा आने के लिए इसको और कमाते, पैसा लगाओ, पैसा उगाओ, इस तरीके से ये स्कीम चल रही है। और ये स्कीम ने इस देश का स्कीम का एकदम चेहरा खराब किया हुआ है। एक और कॉलर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरा एक बात कहने का है। ये जो हमारा कानून है ना, ये कानून अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें सब लूटने वाला ही कानून बनाया गया है। जैसा बलात्कार हो तो उसको इंसाफ नहीं, हत्या हो तो उसमें इंसाफ नहीं, चोरी करे तो उसको इंसाफ नहीं, चोर बने जिसका चोरी हो उसको इंसाफ नहीं है। तो हमें पहल बनाना पड़ेगा कि ये कानून ही बदलना पड़ेगा पहले। बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन की बात जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, समझे ना। तो इसके लिए जो पीछे से एक हवा आ रहा है, वो हवा में हर आदमी को जो मैंने हम नाम लेके नहीं बता रहा, आदमी सुबह देख लीजिए एक हवा परिवर्तन आ रहा है, तो उससे हर आदमी को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो जुड़ेंगे तो हम अपना देश को ठीक करेंगे, नहीं तो ये अंग्रेजी कानून, ये आधा अंग्रेज लोग अपना देश को ऐसी बिगाड़ते जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, जितना भी टीवी का कार्यक्रम बना ले, जितना भी चर्चा कर ले, जो भी कुछ करना है कर ले, ये इसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। इनको पहले भगाना है, उसका बाद कानून को बदलना है। बिल्कुल, धन्यवाद। इस व्यवस्था में कोई अच्छा आदमी जाएगा तो भी वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है कि उसको अगर चुन के लाना है तो पैसे लगाना जरूरी है। पार्टियां फंड मांगती है, पार्टी डोनेशन मांगती है, कार्यकर्ता पार्टियां मांगते हैं, उसके लिए ढाबे पे जाना पड़ता है, और उसके बिल चुकाने के लिए मंत्री और एमपी के पास, एमएलए के पास ढेर सारा पैसा होना भी जरूरी है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये जो ए राजा भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं, इसमें सीधा सीधा हाथ, हाँ, मेरा मानना है कि केंद्र शासन पूरी तरह से परास्त हो चुकी है और केंद्र सरकार कोई लाचारी की जिंदगी जी रही है। हाँ, हिंदुस्तान में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं हुआ कि जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बार तो देश के प्रधानमंत्री लाचारी में बात करते हैं कि क्या करे, गठबंधन की सरकार है, जिस गठबंधन पार्टी का, जिसके साथ गठबंधन है उसका मंत्री है, हमें अगर उसका डिपार्टमेंट भी चेंज करना है तो उसके मुखिया से बात करनी पड़ती है। आपको पता है कि ए राजा को अरेस्ट करने के लिए करुणा निधि को दिल्ली आना था और उसमें उन्होंने कई हफ्ते निकाल लिए, फिर जब करुणा निधि दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से बात हो गई, कॉम्प्रोमाइज हुआ, तब अरेस्ट का जाके फॉर्मूला तय हुआ है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है कि ये सरकार ने एकदम हिंदुस्तान जैसे एकदम खेती प्रधान जो देश है उसको, और एक बहादुरों का देश है हिंदुस्तान उसको, ये मनमोहन सिंह जी ने नापुंसक तो जाहिर नहीं कर दिया है। जाहिर करे ना करे, बिल्कुल जाहिर करे ना करे, इमेज तो ऐसी जा रही है शर्मा जी। जी सर, बच्चों के साथ जब टीवी में भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये वो मायावती का अत्याचार, इसका अत्याचार जब ये देखते ना सर, तो ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं, कोई तो भी जंगल में बस रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल, बच्चों को कैसा भारत देने जा रहे हैं हम? हाँ। जो बच्चे पिछले, अभी जो छोटे बच्चे होंगे, अभी अभी युवा हुए होंगे, उन्होंने तो करप्शन की ही बातें सुनी है, किसी शौर्य गाथा को तो सुना ही नहीं है। ये भी बात सही है सर आपकी। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। इमोशनल मुद्दा है कि बच्चों के साथ टीवी देखो, समाचार को देखो, क्योंकि न्यूज भी देखनी जरूरी है, सारे एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखने चाहिए, क्योंकि न्यूज चैनल बताता है कि देश में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, उससे अवेयरनेस आती है। और आज की दुनिया में न्यूज चैनल देखे बगैर कोई टीवी देखता है तो किस काम का नहीं है। इसलिए अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हो और ऐसे खबरें आपके बच्चों को आपके साथ देखने को, शेयर करने को मिलती है, तो उनके पास या आपके पास भी क्या इमेज तैयार होगी देश की। एक और कॉलर।
नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। मैं पुणे से मिश्रा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सजा से ही अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। सुरेश कलमाड़ी जो पुणे के सांसद है उससे सुरेश कलमाड़ी ही नहीं हमारे पूरे पुणे की जनता के ही हेलो। हाँ हाँ बोलते रहिए। मैं पूरे पुणे की जनता इससे अपमानित हुई है। सुरेश कलमाड़ी को सजा मिलने से तो ज्यादा उन्होंने जो है एक रिकॉर्ड तोड़ा लालू प्रसाद यादव का जिन्होंने साढ़े नौ सौ करोड़ का भैंसों का चारा खाया था। सुरेश कलमाड़ी ने तो संडास पहुंचने के टिश्यू पेपर भी खा गए। तो ऐसे आदमी को तो जूते का हार डाल के और सरेआम गधे पर बिठा के घुमाना चाहिए। मिश्रा जी आपने उनको हमारा ही नहीं मिश्रा जी पूरा की जनता का और महाराष्ट्र की जनता का अपमान हुआ है। मिश्रा जी आपने ही कलमाड़ी जी को पुणे से जरूर सजा मिलनी चाहिए। पुणे से चुन के तो आपने ही भेजा उनको। हेलो शायद मिश्रा जी ने अपनी बात पूरे एकदम से गुस्से में कह दी है। धन्यवाद। हम जानते हैं कई बार दर्शक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं। टीवी पर ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए यह भी सही है। लेकिन क्या इतने दुखद स्थिति से जब देश गुजर रहा हो इतना गुस्सा जहां पर निर्माण होना हो वहां पर गोली नहीं तो कम से कम गाली तो चलनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों को हम बात करने देते हैं। ये गुस्सा बाहर अगर नहीं आएगा तो इतने जोर से फूटेगा कि फिर आप सब इसमें धो जाओगे। इसलिए ये असंवैधानिक शब्द भी कभी कभी स्वीकारने चाहिए। एक और कॉलर। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं धर्मचंद शर्मा बोल रहा हूँ भैल से हरियाणा से। बोलिए क्या कहेंगे। हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इसमें हम भी इतने ही दोषी नेता हूँ जितने ही क्योंकि हम कभी जाति धर्म और इसी के ऊपर वोट देते हैं न कि हम ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब ये हमारी जाति का हमें आगे ले जाएगा या कुछ नहीं करते हैं ये। और हम आपस में जाति पाति नहीं मानते हैं। हम मतलब किसी निजी जाति वाले घर पानी पीते हैं और रोटी खाना खाते हैं सब करते हैं। पर ये जाति का कालम एक सरकार ने ऐसा दिया हुआ है कि इसी से सब भ्रष्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है। इसी से जो है ना वोटों का मतलब इस ये प्रोपगंडा बन जाता है कि भी मैं इस धर्म वाला मैं इसको वोट दूंगा ये मेरी जाति वाला मैं इसको वोट दूंगा। इस तरह से मतलब हम भी इसमें मतलब बराबर के हिस्सेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे आप। मुझे याद है कि मैं एक किसी जाति के कार्यक्रम के वीडियो को देख रहा था तो उसमें सबसे भ्रष्ट नेता का गुण गौरव किया जा रहा था उस मंच से क्योंकि वो मंच वाले नेता जो बाकी लोग और उपस्थित लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे जाति का है। अरे कोई भ्रष्टाचारी है और आपके जाति का और आप उनके लिए तालियां बजा देते हैं तो आप मुंह काला करके घूमिए। हाँ तो वही उसी का मतलब नतीजा इस जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे आप। हमें जाति पाति प्रांत भाषा इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र का सोचना चाहिए। धन्यवाद फोन करने के लिए। हरियाणा से बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। हमारा सवाल जारी है कि क्या एक ए राजा की अकेले के अरेस्ट से उसको गिरफ्तार करने से समाधान होगा क्या? क्या ये पर्याप्त है? क्या और लोग अरेस्ट होने चाहिए क्या? अपनी राय दीजिए ब्रेक के बाद।